नमस्कार। बीपीएससी तैयारी जो एग्ज़ाम होने वाला है, और बिहार एसएससी की बात करें, बिहार पुलिस की बात करें, या बिहार की कोई भी एग्ज़ाम की बात करें, वहाँ जो कि ज़्यादातर जितने भी एग्ज़ाम की बात करें, वहाँ जो बिहार का एससीईआरटी जो बुक है, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है और हमेशा वहीं से आता है। इसलिए बिहार का जो भी एग्ज़ाम है, वह स्पेशल हमें एससीईआरटी बुक पढ़ना अत्यंत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट किए हैं, बिहार के जितने भी बुक होगा उस बुक को हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, और उसका जो कि एमसीक्यूएस भी करेंगे, और जो कि आपको इसका नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। जैसे हम चैप्टर सिक्स जो कि अध्याय एक की बात करें, तो अध्याय एक हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पहले उसका नोट्स जो कि सेकेंड वीडियो में देंगे, और उसका एमसीक्यूएस भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, मतलब सिविक्स की बात करें, तो उस सिविक्स में जो कि क्लास सिक्स का है, और क्लास सिक्स का जो कि भाग वन बुक है ना, तो इसका हम जो कि चैप्टर वन पढ़ेंगे। और चैप्टर वन से पहले हम बात करें, तो इसमें बात करें तो टोटल यहाँ टोटल हमें जो कि सिविक्स में जो 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। 6 चैप्टर की बात करें तो 6 चैप्टर में पहला जो है विविधता की समझ, दूसरा है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप, तीसरा है शहरी जीवन यापन के स्वरूप, चौथा चैप्टर है लेन देन का बदलाव स्वरूप, और पांचवा हमारी सरकार एवं स्थानीय सरकार, जो कि 6ठा चैप्टर है। तो हम यहाँ पर हमारे जो सिविक्स की बात करें, क्लास सिक्स में जो से मतलब 6 चैप्टर दिया हुआ है, तो इन्हीं 6 चैप्टर की बात करें, तो उसमें से पहला चैप्टर हम बात करें तो जो है विविधता की समझ हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें, विविधता की बात करें, तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर जो वर्ड है विविधता, तो ये जो हमारा जो ये वर्ड है, ये जो विविधता जो डाइवर्सिटी की बात करें, तो हम आसपास कि कोई भी चीज़ों की बात करें तो सब चीज़ एक जैसे नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम अपने आसपास की कोई भी चीज़ की बात करें, अड़ोस पड़ोस की कोई भी चीज़ों पर नज़र डालें, तो वहाँ हमें एक जैसा समान चीज़ नहीं दिखाई देता है। कहीं ना कहीं हमें कोई भी व्यक्ति की बात करें तो सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटी अलग होता है, गुण अलग होता है, रंग रूप, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उनका जीवन यहाँ पर बोलने की तौर तरीका, चलने का ढंग, सभी के अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है। तो यही विविधता है। हम बात करें विविधता का, एक बहुत अच्छा हम एग्जाम्पल लेंगे, ये विविधता जो कि क्या सही है या क्या गलत है, हम इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देंगे, वहाँ से आप समझ पाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब हम लोग अपने आसपास पड़ोस की जो कि आसपास में नज़र डालते हैं, तो हमारे समान बहुत सारे लोग जो कि एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। आप लोग सुने होंगे कि एक जैसा इस दुनिया में जो कि एक जैसा व्यक्ति जो कि 7 लोग पाए जाते हैं एक ही जैसा, लेकिन बात करें उसके अंदर में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है गुण अलग होते हैं, कहीं ना कहीं बात करने का तरीका अलग हो सकता है। यहाँ तक जो ट्विंस बेबी होते हैं, ट्विंस बेबी की फिंगरप्रिंट प्रिंट से लेकर बहुत सारे जो है डिफरेंट बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं। तो आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं हैं? हमारे बीच जो विभिन्नता पाई जाती है, जो रंग रूप के आधार पर, चाहे वह रहन सहन या खान पान या वेशभूषा या जीवन यापन, भाषा एवं त्योहारों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों के रंग रूप, वेशभूषा, शारीरिक आकार आदि में जो विभिन्नता दिखती हैं, वह जो है आपकी कक्षा को विविधता प्रदान करता है। और ये जो विविधता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बात करें हम विविधता की, तो ऐसे समझिए कि आप एक बगान, फूल की बगान में गए, तो एक फूल की मान लीजिए ये बगान है, इस बगान की बात करें, इस बाग की बात करें फूल की, तो यहाँ एक ही जैसा जो है, मान लीजिए एक ही जैसा फूल लगा दिए, तो एक जैसा फूल लगा दिए, और आप सोचिए कि ये फूल की जो बाग है, तो ये कैसा लगेगा देखने में? अच्छा लगेगा, बिल्कुल फूल की हम
फूल की जो हम खेती किए हैं और एक ही जैसा फूल लगाएं, बहुत अच्छा लगेगा। हम दूसरा और खेती करते हैं, दूसरी खेती हम किए हैं और इसमें क्या किए हैं, अलग अलग टाइप की बहुत सारे फूल लगा दिए और यहाँ भी हम फूल की खेती किए हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग बहुत सारे फूल की जो है खेती किए हैं, बहुत सारे पौधे लगाए फूल की और वह भी अलग अलग, यहाँ एक ही जैसा और यहाँ अलग अलग। आप बताइए दोनों में से कौन सबसे बढ़िया लगेगा, अलग अलग वाला, क्योंकि यहाँ देखने में भी अच्छा लगेगा, सब तरह का सुगंध भी आएगा, लेकिन यहाँ एक जैसा। तो बात करें तो यही है विविधता, जो हमारे देश की बात करें, हमारे देश में जो हम लोग अलग अलग धर्म है हम लोगों का, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी है सब अलग अलग धर्म, बात करें जैन महावीर बहुत सारे धर्म है हमारे, वह हमारे जो यही हमारे लोकतंत्र की खासियत है, यही हमारे जो डाइवर्सिटी। वही बात करें जैसे सभी लोगों का जो कि खान पान, हम जितने भी हमारे स्टेट हैं सभी स्टेट में चले जाइए, सब अलग अलग वहाँ का खाना पीना, वहाँ का त्यौहार की बात करें अलग है, सभी जगह लैंग्वेज अलग है, जो कि अच्छा है हमारे लिए, यही हमारे डाइवर्सिटी है। एक और एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाने में हम मान लीजिए एक खाली जो थाली मिला, उस थाली में हम आपको एक ही जैसा खाना देंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा खाना तो खाएंगे है ना, लेकिन स्वाद में बार बार एक ही जैसा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही थाली की बात करें, उस थाली में हम विभिन्न प्रकार के जो है भोजन रख दिए, देखने में भी अच्छा लगेगा और सबका अलग अलग स्वाद भी रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यही जो विविधता है वह हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो अब हम यहाँ पर जो है आगे हम पर इसको पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है मित्रता, दोस्ती की बात करें, जो निशान अपने पिता के साथ पटना के जो है एक बेली रोड स्थित जो आशियाना मोड़ के जो रामनगरी मोहल्ले में रहता है ना, क्या नाम उस लड़के का, निशान, वही की बात करें तो इसी नुक्कड़ पर उसके पिता की किराना दुकान थी निशान के पास एक, जो कि मध्य विद्यालय था, कभी कभी वह अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता था। वह दुकान के पास के ही एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर उसके जो दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाता था। तो वही बात करें तो उसमें से एक और जो है निशान अहमद नाम का एक लड़का है ना, जो कि ये निशान जो कि इस निशान से एक और जो लड़का है उसके दुकान पर जाता था, जो वह जो उम्र में भी बड़ा और उसका नाम भी निशान अहमद। लेकिन ये निशान की बात करें तो ये निशान हिंदी बोलता था और वह जो निशान अहमद है वह जो छात्रावास वहाँ हॉस्टल में रहता है वह अंग्रेजी बोलता है। तो ये निशान जो है दुकान वाला वह उसको बोलता है कि आप मुझे जो अंग्रेजी सिखा दीजिए है ना, तो निशान अहमद कहता है ठीक है हम सिखा देंगे। तो दोनों निशान अहमद जो है निशान को अंग्रेजी सिखाता है। उसके बाद बात करें तो लेकिन ये जो निशान है वह निशान इंग्लिश तो सीखता है, धीरे धीरे बोलना सीख जाता है, लेकिन वही की बात करें जो निशान हिंदी वाला जो है वह मगही भी जानता है। हमारे बिहार की बात करें तो हमारे बिहार में बहुत सारे लैंग्वेज बोला जाता है, मगही हो गया, इसी तरह मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, वर्जिका हो गया, तो बहुत सारे बिहार में भी लैंग्वेज बोला जाता है, तो हम इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन जो है उसके बाद जो बड़े निशान जो है दिल्ली बाद में चले जाते हैं, छोटे निशान को पता चला कि निशान का पूरा नाम जो निशान अहमद है ना, इस हिसाब से हम बात करें तो यहाँ जो निशान है वह हिंदी बोलता है, ये अंग्रेजी बोलता है, निशान जो मगही भी जानता है। तो इस हिसाब से बात करें तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है एक ही जगह पर बहुत सारे लैंग्वेज, मतलब तीन लैंग्वेज देखने को मिल गया। तो यहाँ पे एक यहाँ प्रश्न दिया हुआ, निशान और निशान अहमद में दो या तीन अंतर बताइए। तो एक अंतर हो गया उम्र का, दूसरा जो लैंग्वेज हो गया, तीसरी बात करें तो वह अदर जगह पर रहता था, ये अदर जगह स्थानीय की बात करें, तीन अंतर तो ऐसे ही हो गया। तो दोनों की उम्र और पढ़ाई लिखाई में भी अंतर है, एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र है और दूसरे निशान जो है इंजीनियरिंग का जो छात्र है, दोनों की अलग अलग धर्म है, अलग अलग समाज जो पृष्ठभूमि से आते हैं वे, वह ये निशान जो है
जो निशान अहमद है, जो एक मुसलमान जो कि किशनगंज से है, और एक जो है ये सहरसा शायद है, यहाँ पर दिया हुआ निशान जो पटना का एक रहने वाला एक हिंदू है। तो ये सब बहुत सारे अंतर देखने को मिलता है दोनों में, रंग रूप, भाषा, आकार, खान जो खान पान, रहन सहन, सभी बहुत सारे डिफरेंट देखने को मिला। अब बात करते हैं जो है, जो विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जो विविधता विविधता है हमारे जीवन को समृद्ध करती है, अच्छा बनाती है। अभी हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं बाग वाला, फूलों की बाग वाला, तो हमारे जीवन में जो समृद्ध बनाती है। तो जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके भी साथी होंगे जो बहुत सारे आप में और आपके जो फ्रेंड्स हैं उसमें काफी अंदर देखने को मिलेगा। किसी को बोलने की अलग तरीका, मतलब एक ही लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन उनका जो बोलने की शैली अलग, आपका अलग होगा, रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगा। तो जो विभिन्न प्रदेशों के खान पान की बात करें तो सभी प्रदेश के खान पान अलग अलग होता है, नहीं होता है। बिहार के जो लोग हैं वह लिट्टी चोखा खाते हैं, और ये जो हम यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं यही सब इम्पोर्टेंट है, हम पहले से इसको एडिट करके रखे हुए हैं हाईलाइट करके। तो बिहार के लोग क्या है, लिट्टी चोखा खाते हैं। बिहार में क्या फेमस है, लिट्टी चोखा। वहीं पंजाब में हम चले जाइए तो पंजाब में जो मक्के की रोटी और सरसों की साग, ये एग्जाम में पूछा गया है ना, ये जो अलग अलग खान पान है, तो ये अलग अलग स्टेट का जो हम अलग से एक लिस्ट जो है अदर वीडियो बनाएंगे इसी का जो पार्ट 2 बनाएंगे, तो उसमें जो इसका नोट्स अलग से रहेगा और उसी में MCQS भी रहेगा, तो वहाँ हम इसको अलग से डाल के आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो बिहार के जो लोग हैं वह लिट्टी चोखा खाते हैं, वही पंजाब में क्या, मक्के की रोटी और सरसों की साग। आप चले जाइए पश्चिम, जो पश्चिम बंगाल में चले जाइए तो वहाँ मछली और चावल जो बड़ी बहुत प्रसिद्ध है। वही आप दक्षिण भारत में तमिलनाडु में चले जाइए, केरल में चले जाइए या आंध्र प्रदेश में, वहाँ इडली, डोसा, सांभर ये सब जो होता है फास्ट फूड, वहाँ ये जो काफ़ी फेमस है। तो यहाँ खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है, सभी अलग अलग स्टेट में चले जाइए। आप राजस्थान में चले जाइए तो वहाँ दाल बाटी है, गुजरात में चले जाए तो गुजराती वहाँ का अलग खाना हुआ, तो सभी जो राज्य में अलग अलग अपना खाना है। तो हम इसका एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है बिहार में जो लिट्टी चोखा, यहाँ पर ये देख रहे हैं बिहार में लिट्टी चोखा, उसके साथ जो चटनी है, बंगाल का जो है मछली चावल यहाँ पर थाली में देख सकते हैं, दक्षिण भारत की बात करें तो वही दक्षिण भारत में यहाँ पे जो है इडली, डोसा डोसा देख सकते हैं, भारतीय जो दक्षिण भारतीय थाली यहाँ पर जो लगा हुआ, गुजरात में गुजराती थाली यहाँ पर देख रहे हैं। तो यही सब जो है विभिन्नता में देखने को मिलता है। अब बात करें विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और त्यौहार की बात करें, तो अलग अलग राज्य की बात करें तो सभी राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है। जैसे बिहार की जो है जो काफ़ी फेमस प्रसिद्ध जो है छठ पर्व की बात करें, यहाँ पे है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र में चले जाइए तो गणेश उत्सव, केरल में चले जाइए तो ओणम, झारखंड में जो है सरहुल पर्व मनाया जाता, बहुत सारे जो हमारे अनेकों स्टेट हैं। तो सभी राज्यों की अलग अलग अपना जो फेमस प्रसिद्ध त्यौहार है, यहाँ पर आप पिक्चर में यहाँ पर जो देख पा रहे हैं जो बिहार में छठ पूजा, झारखंड में जो है जो सरहुल मनाती, यहाँ पर देख रहे हैं आप। उसके बाद बात करें तो केरल में ओणम त्योहार जो कि काफी प्रसिद्ध है, केरल में ओणम, यहाँ पर ओणम में देख रहे हैं नौका दौड़ जो करवाया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पे पंजाब में लोहड़ी पर्व मनाया जा रहा है। तो ये सभी हम देखते हैं तो यहाँ भी विभिन्नता में देखने को मिलती है। अब बात करें अलग अलग भाषाएं की बात करें तो हमारे जिस प्रकार खान पान, रहन सहन, जो त्योहार अलग अलग, इसी तरह जो हमारे जो विविधता हमारे जीवन को जो समृद्ध बनाती है हम देखे हैं यहाँ पे हम। तो विविधता के प्रति जो हम सम्मान है, सम्मान की बात करें, यह कहानी जो है एक कहानी यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले जो चार मित्रों की कहानी है, जो कक्षा 9 के छात्र हैं, इनके नाम जो नवीन, रफी, शालिनी, रॉबिन, ये जो बात करें इनकी मातृभाषा अलग अलग है,
जहाँ नबी हिंदी बोलता है, मरियम हफीज की बात करें तो उर्दू बोलता है, कवि जो है उर्दू बोलता है, नवीन जो है हिंदी बोलता है, वह शालिनी की बात करें वह पंजाबी बोलती है, रॉबिन जो है वह अंग्रेजी बोलता है। तो ये देख यहाँ पर हम देख रहे हैं इन जो चार दोस्त है, चारों दोस्त का जो अलग अलग भाषा है, लेकिन जब आपस में ये बात करता है तो हिंदी में बात करता है, हिंदी में बात करता है। तो यहाँ पे जो विविधता है उसके प्रति हमें सम्मान करना चाहिए। हम अपने आसपास में देखते हैं तो किसी लोग को देखते हैं तो काफ़ी कोई लंबे हैं, कोई किसी को देखते हैं मोटे हैं, कोई छोटे हैं, है ना, कोई नाटे हैं। तो ये सब जो हमारे आसपास में जो लोग हैं, यही जो विविधता है, हमें उस जो उसके प्रति हमारा जो सम्मान जो होना चाहिए। अब बात करते हैं तो सभी जगह अलग अलग लैंग्वेज बोला जा रहा है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि जो है कुछ बच्चे विद्यालय से एक विद्यालय से जाते हैं या घूमने के लिए राजगीर जाते हैं, वहाँ राजगीर में दूसरे विद्यालय का भी बच्चा आया रहता है। तो एक जो है यहाँ पर सहरसा से जो लोग जाते हैं वह मैथिली लैंग्वेज बोलता है, जो भोजपुर से लोग गया मतलब बच्चा गया घूमने के लिए राजगीर में वह भोजपुरी बोलता है। उन दोनों को काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में जाता है तो देखता है मतलब बहुत कम समझ में आता है, लेकिन फिर हिंदी में बात करना शुरू करता है, जैसे तुम्हारा क्या नाम हुआ, ये हिंदी में तो उसको समझ में आता है। तो वहाँ पर दोनों मिलजुल कर जो काफ़ी राजगीर का जो जो भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो यहाँ भी हमें देखने को विभिन्नता मिल रहा है। तो बात करें तो यहाँ पे बिहार में न सिर्फ हिंदी बोला जाता है बल्कि भोजपुरी भी बोला जाता है, मगही भी बोला जाता है, मैथिली, अंगिका, वज्जिका, ये सभी बोला जाता है। और हमारे जो पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में लगभग जो है 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, ये याद रखेगा। तो पूरे भारत में 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, और खासकर आपको बिहार पर फोकस करना है क्योंकि हम बिहार के लिए पढ़ रहे हैं। संविधान की यहाँ पे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सा भाषा है, टोटल 22 भाषाओं को हम जो आपको अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें नोट्स में डाल देंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं जो एक तालिका दिया गया है, और उस तालिका में जो सभी जो प्रदेश में बोले जाने वाले सभी राज्यों में बोले जाने, जैसे बिहार में बोला जाता है हिंदी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में जो बंगाली बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असामीज, गुजरात में गुजराती, मतलब जो है सभी जगह अलग अलग जो लैंग्वेज, इसको हम फिल करके आपको दे देंगे नोट्स में, महाराष्ट्र में मराठी, ये सभी जो लैंग्वेज बोला जाता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं विविधता है। अब भेदभाव और असमानता की बात करें, ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने यह भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जिससे हमें दुख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को ही श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। मतलब लोग अपने समाज में, देखिए अपने समाज में जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है, उस पर टिप्पणी किया जाता है, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, बहुत सारे जो है किसी को अपने से नीचा देखना, ये सभी देखने को मिलता है। समाज में व्याप्त अशिक्षा, मतलब तुम अनएजुकेटेड हो, तुम मूर्ख हो, है ना, तो ये सब भी बातें जो देखने को मिलता है। तो इसी चीजों को दूर करने के लिए जो है हम लोग विविधता में एकता टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण जो हमें भेदभाव एवं जो है असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, स्वर्णों, दलित, महिलाएं, पुरुष इत्यादि हो सकता है विभिन्नता में। एक कहानी यहाँ दिया हुआ है, राम जीवन की कहानी। राम जीवन जो है वह सुपौल जिला के रहने वाला है। सबसे पहले जो आप कोई भी देखिए सब्जेक्ट पर, जैसे बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको तो बिहार का जो मैप याद होना चाहिए, बिहार में कौन जिला कहाँ है, ये सब आपको याद रहना चाहिए।
हम इस पर बिहार मैप के पर एक स्पेशल जो वीडियो बनाए हुए हैं, और उस वीडियो आप देखिए, वह वीडियो देखिएगा तो वह वीडियो में आपको याद ही हो जाएगा जिला, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसको जो डिवीजन वाइज हम उसको पढ़ाए हुए हैं और वीडियो में ही याद करवाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा आपको समझ में। उसमें बिहार जीके जो कि प्लेलिस्ट बना होगा वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बिहार का जो स्पेशल हम वीडियो जो जीके जो बिहार का जितने भी होता है उसमें कुछ पढ़ाए हुए हैं। और कुछ भी चाहे तो हमें आप जो कमेंट करके बता सकते हैं, हम कमेंट पढ़ते रहते हैं। तो चलिए हम राम जीवन की कहानी पढ़ते हैं। राम जीवन जो है सुपौल जिला के रहने वाले हैं, जो सुखपुर गांव का बात करें। राम जीवन का शादी होता है, 10 साल के बाद उसके घर में एक लड़की का जन्म होता है। वह चाहता था कि लड़का मेरे घर में जन्म हो। बात करें तो वही लड़की पहला जो फर्स्ट बार जो लड़की होती है, फिर भी वह उसे संतुष्ट तो होते हैं, लेकिन वह फिर भी बेटा का चाह लगाया रहता है। दो बेटी होने के कारण वह काफी चिंतित रहता है आगे चलकर। फिर लास्ट में तीसरा जो बेटा होता है वह काफी खुश रहता है। आप देखो बेटे को वह काफी अच्छे तरीके से खाना पीना है ना प्यार, लेकिन बेटे बेटिया दो दो बेटी होती है, दोनों में भेदभाव यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो राम जीवन भेदभाव करना शुरू कर देता है। यहाँ बात करें बेटे के लिए नए नए कपड़े खिलौने लाते थे, लेकिन बिटिया के लिए नहीं के बराबर। अब बात करें वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है तो बेटी के लिए प्रसन्न घर पे होम जो कोचिंग ट्यूशन लगवा देता है, बेटी के लिए नहीं। बेटी खुद अपने पढ़ती है, घर का काम काज भी करती है और खुद पढ़ती है, लेकिन लड़का है जो कोचिंग पढ़ने के बाद होमवर्क पूरा नहीं करना, खेलने के चक्कर में है ना जो है इधर उधर करना, ऐसा इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो हम जो विविधता देख जो है गलत किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वहाँ बेटा बेटी में जो भेदभाव करता था, जो अलैंगिक असमानता को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले जो परिवर्तन को नजरअंदाज करते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं। अभी बताएं सुनीता विलियम्स की बात करें तो चांद पर गई है, हम कल ही की न्यूज़ बता रहे हैं, और चांद पे जो कि लैंड भी कर गई है। तो अनेकों जो बछेंद्री पाल है, बहुत सारे अनेकों महिलाएं हैं है ना हमारे देश की बात करें। तो आप ऐसा एक जो है जो कोई लड़का ज्यादा है, कोई मतलब भेदभाव जो स्टीरियोटाइप्स जो रूढ़िवादिता जो सोच है, आप हमारे समाज में धीरे धीरे अंत हो रहा है, सभी लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। तो उसको जो है स्टीरियोटाइप्स की जो भावना है उसको बंद होना चाहिए है ना। तो यहाँ पर एक जो कहानी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जो चलिए हम पढ़ते हैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहानी। यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि 1891 में उसका जन्म होता है, 1800 और 1956 में जो मृत्यु हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है महार जाति में होता है, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी, उनके बच्चों को वहीं काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर है वो अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड चले गया। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए जो कि प्रोत्साहित किया, और अलग अलग तरह के सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। देखिए लोग पढ़ेगा नहीं, आजकल जो हमारे देश में बिहारी की बात करें जातिवाद जो लगा पड़ा हुआ है, यही चीज जो गलत है ना। तो जब तक लोग चाहेगा नहीं, जब तक वह पढ़ेगा नहीं, तो कैसे जातिवाद से जो है जो दूर हो पाएगा। इसलिए जो जो जातिवाद है उससे दूर होना है तो एक ही जो हमारे पास हथियार है वह एजुकेशन। एजुकेशन नहीं होगा जातिवाद दूर नहीं होगा, इसलिए एजुकेशन का होना अत्यंत जरूरी है। दलितों के मंदिर में वह प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे है ना, उस समय जो पहले आज से
जो 20 साल 25 साल पहले की बात कीजिए, कोई कोई भी गांव में आप पूछ लीजिए अपने दादाजी अपने पिताजी से, कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता था, है ना। जो स्वर्ण जाति के थे, जो दलित जाति को जाने तक नहीं दिया जाता था, है ना, मंदिर में जाने नहीं देता था, उसके आसपास जो घर जहाँ है भटकने तक नहीं दिया जाता था, उनको हीन भावना से देखा जाता था। लेकिन अब वह धीरे धीरे दूर हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे समाज में नेता सब जो हिंदू मुस्लिम, तुम ये जाति को तुम वो जाति को जाति से हैं, तो मतलब ये किया जा रहा है। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सभी उसको दूर करने की प्रयास किया, उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ जो अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, लंबे समय तक दलितों दलित लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य धार्मिक क्रियाकलाप से वंचित रखा गया, यहाँ तक कि उसे सार्वजनिक मंदिरों में जो सरकारी मंदिर होते हैं वहां तक जाने नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी की बात करें, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें, ज्योतिबा फुले की बात करें, अनेकों महापुरुषों ने जो है जोर देकर कहा कि यह जो प्रथा जो है अमानवीय है, ये मानव योग्य नहीं, ये चीज गलत है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब हम लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है। हम जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहाँ सब कुछ जो है डेमोक्रेसी में, न हिंदू मुस्लिम न सिख ईसाई, मतलब कोई भी धर्म की बात करें कोई भी जाति की बात करें, ये सब नहीं है। जो संविधान की प्रस्तावना में जो हमें स्पष्ट दिखाया गया, सभी को प्रस्तावना अवश्य याद होना चाहिए, क्योंकि जो संविधान का जो आत्मा कहा गया है, प्रस्तावना को कहा गया, उद्देशिका को कहा गया, जो ये जवाहरलाल नेहरू ने जो कि उद्देशिका मतलब जो प्रस्तावना को तैयार किया गया था, पूरे संविधान का निचोड़ है इसमें। यहाँ पर जो प्रस्तावना पढ़े होंगे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की तथा उसके समस्त नागरिकों के, ये सब जो देख रहे हैं, जो यहाँ पर न्याय की बात किया गया है, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात किया गया है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, चार पांच प्रकार के सॉरी हाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया है, 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात किया है, 2 प्रकार के, मतलब ये सभी जो है पढ़िएगा संविधान तब ना पता चलेगा। तो यही बात है यहाँ पर जो है संविधान को जो 26 नवंबर 1949 को जो है तैयार कर लिया गया था और जो है 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया, तो यही सब चीजें हैं। तो आपको हम आशा करते हैं कि ये जो टॉपिक के चैप्टर है जो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अभी भी कोई इसमें कुछ बातें समझ में आए तो आप मुझे बताइए, हम अदर वीडियो जो कि उसमें हम आपको जो भी डाउट है उस डाउट को दूर करने की कोशिश